बाहर
हाँ हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से, ठीक है, जो कि हमारे जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर से। ठीक है, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स से। ठीक है, तो इसमें है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है इन इंडिया, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर। ठीक है, इसमें बात करें तो क्रिकेट में किसको मिला है? क्रिकेट में मिला है रोहित शर्मा को। क्रिकेट में किसको मिला है? रोहित शर्मा को।
क्रिकेट में मिला है ये रोहित शर्मा को। ठीक, फिर बात करें आगे, टेबल टेनिस की बात करें, टीटी टेबल टेनिस में मिला है मानिक बत्रा को। ठीक, मानिका बत्रा को। ठीक, फिर आते हैं आगे, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है ये। ठीक, इनका नाम है रानी रामपाल। ठीक, रानी रामपाल हॉकी में मिला है, रानी रामपाल को वुमेन हॉकी में। ठीक है, ठीक, रेसलिंग में मिला है, रेसलिंग में रेसलर को मिला है, उसका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, ठीक, याद रखना। फिर नेक्स्ट बात करें तो अवार्ड्स हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020। ठीक, इसमें भी इसमें इंदौर को फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ क्लीनेस्ट सिटी। ठीक, इन द कैटेगरी ऑफ क्लीनेस्ट सिटी इंदौर ने ये अवार्ड जीता है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ठीक, फिर बात करें शौर्य चक्र की, शौर्य चक्र ये हमारा गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड है और ये मिला है ऑन द ओकेजन ऑफ 74 इंडिपेंडेंस डे। ठीक, फिफ्टींथ ऑफ अगस्त को। ठीक, ये मिला है तीन आर्मी पर्सनल्स को। ठीक, आर्मी के तीन बंदों को मिला है, जिनमें मिला पहले मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत। ठीक है, कृष्ण सिंह रावत को मिला है। ठीक, फिर हैं एक अनिल है। ठीक, फिर हैं एक अलोक अलोक कुमार दुबे। ठीक, अलोक कुमार दुबे। ठीक, इन तीन बंदों को इस बार शौर्य चक्र अवार्ड मिला। ठीक,
फिर बात करें ई पंचायत अवार्ड की, ठीक, ई पंचायत पुरस्कार की, पुरस्कार 2020, ठीक, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारत सरकार द्वारा किसी राज्य को दिया जाता है, ठीक है, किसी स्टेट को दिया जाता है फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इन पंचायती राज सिस्टम, ठीक। तो इसमें बात करें तो किस स्टेट को मिला है इस साल? इस साल हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मिला है ई पंचायत अवार्ड, ठीक। हिमाचल प्रदेश को मिला है ई पंचायत अवार्ड इस साल का, ठीक है, फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ई एप्लीकेशन, ठीक। फिर बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक। ये किनको मिला है? ये मिला है अवी प्रवीण राव को, ठीक है, किसको मिला है? अवी प्रवीण राव, ठीक, जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, ठीक, ऑफ ये हैं प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। आप इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता है कि तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके ये वीसी हैं, ठीक। इनका क्या नाम है? अवी प्रवीण राव, ठीक, इनका क्या नाम है? अवी प्रवीण राव। और एम एस स्वामीनाथन कौन है? ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट थे इंडिया में, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, फिर अगला करते हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड, दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020, ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? बिल्कुल ठीक, तो इस साल किसे दिया गया? ये 2020 में किसे दिया गया? किसी को पता आप में से? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किसे दिया गया?
पता नहीं। ओके, ये इस साल दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म मेकर है, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं। क्या नाम है इनका? कीजांग, कीजांग डी थोंग डॉग। ठीक है, ये इनका नाम। ठीक, इन्हें इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। ठीक, और किस चीज के लिए दिया गया है? इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। इसका नाम है ची ची लूपो। ठीक, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। ठीक, और मुझे ये बताओ 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? 2019 का किसे मिला था? आपने पढ़ा हो शायद पिछले साल का करंट अफेयर। अमिताभ बच्चन। वेरी गुड। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ, भारत रामनाथ गोयनका गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? वेरी गुड, आकाश अग्रवाल ने सबसे पहले आंसर दिया। ठीक, इस साल जो दिया गया है यह 14th अवार्ड। ठीक, 14th है। अच्छा, इस साल का पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। ठीक, ये दिया गया है, और इसकी फुल फॉर्म है, पीईटीए की फुल फॉर्म है, पीपल फॉर द एथिकल, पीपल फॉर द एथिकल
ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तो इन्होंने अवार्ड रखा है अपने नाम पे, ठीक है, जो इस साल का इन्होंने अवार्ड रखा है, इस साल का अवार्ड इन्होंने दिया है वो दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा के नवीन पटनायक को, ठीक, इसको दिया है सीएम ऑफ उड़ीसा, ठीक, इसको दिया है सीएम ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, पुलटीजर अवार्ड का नाम सुना आपने, पुलटीजर अवार्ड, ठीक, प्राइज 2020, ये तीन फोटो जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, ये उन्हें दिया गया है, किनको दिया गया है, ये फोटो जर्नलिस्ट, ठीक है। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है डॉक्टर जाशीन मुख्तार खान, मुख्तार खान एंड चानी आनंद, ठीक, याशिन और मुख्तार खान ये दोनों कश्मीर से बिलोंग करते हैं और चानी आनंद ये जम्मू से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इस साल का नेल्सन मंडेला अवार्ड, ठीक है, नेल्सन मंडेला अवार्ड, ठीक, 2020। नेल्सन मंडेला कौन थे, ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, ठीक है, ये प्रेसिडेंट रहे, इनकी डेथ हो चुकी है अभी, ये वहां के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है, बिल्कुल, ये अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे, साउथ अफ्रीका के। तो इस साल का नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे मिला है, वो मिला है मरियाना, क्या नाम है इनका, मरियाना वर्दी नोइनिस, ठीक है, ये कहां की रहने वाली है, ये ग्रीस की रहने वाली है, ठीक,
और किसको मिला है इनके साथ? एंड डॉक्टर, डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोरिसाना कुवेत ऑफ गिनिया, ठीक है? क्या नाम है इनका डॉक्टर? मोरिसाना ठीक ऑफ यूनियन, ठीक, इन्हें साल का नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला, ठीक है? अच्छा फिर फ्रिट्ज जकर अवार्ड, ठीक है, आर्किटेक्चर अवार्ड, आर्किटेक्चर अवार्ड प्राइज, ठीक, 2020। इसे नोबल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं इस अवार्ड को, ठीक है? इसे नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक। और ये किसे मिला है साल 2020 में? ये मिला है एक आयरिश आर्किटेक्ट है, आयरिश आर्किटेक्ट आयरिश आर्किटेक्ट्स हैं ये दोनों, इनका नाम है योगने फारल, फारल है, फारल फारल, ठीक, एंड शैली मैक नामरा, ठीक है, मैक एन ए एम नामरा, ठीक। आयरिश आर्किटेक्ट हैं वाई वी ओ एन एन ई, ठीक है, फारल एंड शेली मैक नामरा, ठीक है। इन्हें मिला है इस बार का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, ठीक है। इसे नोवल ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं, ठीक। एबल प्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, एबल प्राइज 2020। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये किस फील्ड में मिलता है, एबल प्राइज 2020, एबल प्राइज 2020 ये किस फील्ड में मिलता है? क्या आप इसे जानते हैं लोग? मैथ्स, विवेक ने आंसर दिया मैथ्स, वेरी गुड विवेक। और एक तो ये आ गया कि ये किस फील्ड में मिलता है, ये विवेक ने आंसर दिया कि मैथ्स की फील्ड में मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, इस अवार्ड को देता कौन है, ठीक है? ये देती है नॉर्वेजियन
वेजिन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ठीक है, ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ठीक, ये वो देती है। और ये इस साल किसे मिला है? ये मिला है इजरायली अमेरिकन है, इजरायली अमेरिकन है, ठीक है, इजरायली अमेरिकन है, जिनका नाम है हिलेल, HILLEL, हिलेल फर्स्टवांग, ठीक है, FURST फर्स्टनबर्ग, ठीक, ये इन्हें मिला इस साल। और दूसरे कौन है इनके साथ? दूसरे हैं रशियन अमेरिकन है, एक रशियन अमेरिकन है जिनका नाम है ग्रिगोरी, ग्रिगोरी मार्गुलिस, ठीक है, ये इन्हें मिला एबल प्राइज, ठीक। ठीक, याद रखना एबल प्राइज किस फील्ड में मिलता है? ये मैथ्स की फील्ड में मिलता है, ठीक है। ये कौन देता है? ये नॉर्वे की सरकार देती है, और जो एकेडमी देती है उसका नाम है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ठीक। और इस साल का किसे मिला है? हिलेल फर्स्टबर्ग, और ये इजरायली अमेरिकन है, एक रशियन अमेरिकन है जिनका नाम है ग्रिगोरी मार्गुलिस, ठीक है, ये इन्हें मिला इस साल 2020, ठीक। फिर बात करें हम नारी शक्ति पुरस्कार की, किसकी? नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक, किसकी? नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की बात करें तो ये कौन देता है? ये हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब, कौन है हमारे प्रेसिडेंट साहब? रामनाथ कोविंद, ठीक। और ये कहां, किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे मुझे, ठीक है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं रामनाथ कोविंद, हमारे जो प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये रामनाथ कोविंद जी ने 2019 का जो नारी पुरस्कार अवार्ड है, ये कुल मिला के 15 वुमेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितनी वुमेन्स को? 15 वुमेन्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, ठीक, अलग अलग स्टेट से, ठीक। यस साक्षी, वेरी गुड, ठीक, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 है, ठीक, ये 15 वुमेन्स को मिला है, और ये जो 15 वुमेन्स है वो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। उसी में एक स्टेट आती है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, उसी में एक स्टेट आती है जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर से जिन्हें मिला है उनका नाम है आरिफा जान, ठीक, आरिफा जान, ठीक, इन्हें 2019 नारी पुरस्कार अवार्ड मिला, ठीक, ठीक है, लिखो कमेंट बॉक्स में, ये जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक, 2019 का पेन गौरी लंकेश अवार्ड अवार्ड, ठीक, फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म, ठीक, ये किसे किसे मिला है, और ये किस फील्ड में मिलता है। डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म की बात की है मैंने, ठीक है, 2019 पेन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म, ठीक, इसका आंसर बताओ मुझे, नहीं बता, ठीक है, कोई बात, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम जेएनके, ठीक, जिनका नाम है यूसुफ जमील, ठीक, ये अवार्ड इन्हें मिला, ठीक है, 2019। ठीक, स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ साथ साथ में, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक, फिर नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, ठीक, फिर आता है सरस्वती सम्मान की, इसकी सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान की बात करें, ये 29th अवार्ड था, ये किसे मिला, पढ़ा आपने सरस्वती सम्मान, ये किस फील्ड में दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखो किस फील्ड में दिया जाता है सरस्वती सम्मान, पोएट्री, उमंग ने आंसर किया पोएट्री, पोएट्री, वेरी गुड जी, ये पोएट्री की फील्ड में दिया जाता है, और ये उन भाषाओं में दिया जाता है जो हमारी 8th शेड्यूल में भाषाएं जो दी गई हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, उस लैंग्वेजेस में अगर आपने 10 साल से, पिछले 10 साल से अगर आप अच्छा काम कर रहे हो पोएट्री की फील्ड में, ठीक, तो आपको ये, फिर आप एलिजिबल होते हो इस अवार्ड के लिए, सरस्वती सम्मान के लिए, ठीक, तो जो इस साल का मिला है वो मिला है एक सिंधी राइटर है, प्रोमिनेंट सिंधी राइटर है, सिंधी, जिनका नाम है वसदेव मोही, वसदेव मोही, ठीक, ये इन्हें मिला है,
और किस चीज के लिए मिला है? फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है इनकी, उस चीज के लिए मिला है जिसका नाम है चेकबुक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सरस्वती सम्मान पे क्वेश्चन हमें हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान हो गया, खेल रत्न अवार्ड हो गया, शौर्य चक्र हो गया, ठीक है, और जो जो भी सरकारी अवार्ड रहते हैं ना उस पर थोड़ा फोकस करना, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कर लेते हैं। अवार्ड्स कर लिए हमने, इम्पोर्टेंट थे जो, ठीक है, अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो करंट अफेयर में है अभी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, ठीक, पहली इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो है रिलेटेड टू इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार अपॉइंट हुए हैं नए इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जो हमारे पहले क्या थे, जो हमारे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, क्या थे ये पहले, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे ये पहले। ठीक, इलेक्शन कमिश्नर नए अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार, ये पहले क्या थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ठीक, ये किसे किसे रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे राजीव अशोक लवासा को, अशोक लवासा को रिप्लेस करेंगे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हमारे नए
हमारे इंडिया के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन आया नए? ये आए हैं हमारे जो पहले हमारी स्टेट के जो पहले एलजी थे, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनका नाम था जीसी मुर्मू। ये अब हमारे इंडिया के क्या बने हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, ये देश के सबसे बड़े अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं। ठीक, और अब हमारे एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट, सत्यपाल मलिक का नाम सुना होगा आपने, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे। ठीक, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे, ये जम्मू एंड कश्मीर के बाद गए थे गोवा में एज ए गवर्नर। अच्छा, गोवा के बाद इनको भेज दिया मेघालय। ठीक, अभी मेघालय के गवर्नर अपॉइंट हुए नए। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर के बाद गोवा, गोवा के बाद मेघालय। घूमो फिरो। अच्छा, एक है के वेणुगोपाल। जिन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज ए अटॉर्नी जनरल, ठीक, फॉर इंडिया। फॉर इंडिया, ठीक। ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया री अपॉइंट हुए हैं फिर से। ठीक, इनके पहले हमारे अटॉर्नी जनरल कौन थे? हमारे इनके पहले अटॉर्नी जनरल थे मुकुल। रोहतगी। ठीक, क्या नाम था उनका? मुकुल रोहतगी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? ही इज द
हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री, ठीक। और ये क्या करते हैं, इनका काम रहता है जो भी कोई केस अगर सरकार की तरफ से इन्होंने कोई केस लड़ना है अगर सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट्स में, तो ये अटॉर्नी जनरल सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लॉ ऑफिसर, ठीक। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सेंटर में अटॉर्नी जनरल रहता है और स्टेट में भी एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। हर एक स्टेट का एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, उसका नाम क्या है? सेंटर के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहते हैं उन्हें तो हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एजी, अटॉर्नी जनरल, ठीक। जो स्टेट में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, बिल्कुल सही, एडवोकेट जनरल, ठीक, ये याद रखना है। के वेणुगोपाल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एडवोकेट अटॉर्नी जनरल, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, जिस बोर्ड का आप एग्जाम देने जा रहे हो, किसका एग्जाम देने जा रहे हो आप? हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पीएससी है ना, जेके पीएससी की बात करें तो इनके नए चेयरमैन कौन आए हैं? आंसर बताओ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ JKPSC, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, BR शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल सही, जाकिर BR शर्मा। इससे पहले ये कहाँ पे थे? BR शर्मा इसके पहले SSC के चेयरमैन थे, इसके पहले BR शर्मा कहाँ कहाँ पर थे? ये SSC के चेयरमैन थे, सेंटर की SSC, जो सेंटर में नॉन गेस्टेड पोस्टों की रिक्रूटमेंट करती है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये उसके चेयरमैन थे पहले, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट, हमारे हेल्थ मिनिस्टर का नाम बताइए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, बताइए। हु इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर? हर्षवर्धन, बिल्कुल सही, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में क्यों है रिसेंटली? ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स चेयरमैन, ठीक। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए ही टुक चार्ज एज ए ही
took charge as a WHO executive बोर्ड चेयरमैन, ठीक है, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बताओ मुझे, ये न्यूज में थी रिसेंटली तो इसलिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बताओ कमेंट बॉक्स में, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा, बिल्कुल सही, ठीक, एंड हु इज अ, और WHO के हेड कौन है, ये भी बड़े न्यूज में है रिसेंटली तो ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक, बताओ वॉज अ हेड ऑफ द WHO, न्यूज में आते रहते हैं, ठीक, ये आप लोग, बिल्कुल टेड्रोस, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, एक पर्सन है जिनका नाम है जुबेर, क्या नाम है इनका, जुबेर इकबाल, इनका नाम है जुबेर इकबाल, ठीक, ये भैया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या रहे हैं ये, सीनियर वाइस ये क्या रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, ये क्या रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC, ये इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, और इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, ठीक, MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, क्या इन्हें अपॉइंट किया गया है, MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक, ठीक है, और इसे कंफ्यूज मत करना, इसे आप लोग मुझे पता है कंफ्यूज करोगे किसके साथ, जो करंटली चेयरमैन है, जो अभी चेयरमैन है हमारे, क्या नाम है उनका, आरके चिपर, क्या नाम है उनका, आरके चिपर, इनके साथ इसे कोरिलेट मत कर, ठीक, ये पहले आरके चिपर CMD थे, चेयरमैन भी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, अब इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और MD जुबेर इकबाल को अपॉइंट किया गया, ठीक, आरके चिपर को एज ए अब चेयरमैन बना दिया गया, ठीक, कंफ्यूजन दूर हुई आप लोगों की, कोई कंफ्यूजन, नो सर, ASI का नाम सुना है आपने, आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, इस इनके ASI के यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए DG डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, कौन किए गए हैं,
उनका नाम है अभी विद्यावती। क्या नाम है उनका? अभी विद्यावती। ठीक, ये नए डीजी पॉइंट हुए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक। फिर बात करें नाबार्ड की। नाबार्ड फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे। ठीक, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, जिनका क्या नाम है? गोविंदा गोविंदा ठीक, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। नेस्कॉम का नाम सुना होगा आपने, NASSCOM, नेस्कॉम। ठीक, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक, नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। चेयरमैन इनके इनके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए जिनका नाम है UB परवीन राव। UB परवीन राव। ठीक, फिर बात करें कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की, इसकी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अगर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है अशोक लवासा का। किसका नाम आता है? अशोक लवासा। ठीक। अशोक लवासा जी को एडीबी बैंक का नाम सुना होगा आपने, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या फुल फॉर्म है? एशियन डेवलपमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक। अशोक लवासा जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। क्या चुना गया इन्हें? वाइस प्रेसिडेंट। फिर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस। ठीक है, फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस। ठीक। अशोक लवासा जी को मनीला, फिलीपींस। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, फिर बात करें इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की, तो बीसीसीआई का नाम सुना होगा आपने, बीसीसीआई। ठीक, सब लोगों को पता होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इसके सीईओ कौन थे? इसके सीईओ पहले थे राहुल जोहरी, का नाम सुना होगा आपने, राहुल जोहरी थे इसके पहले सीईओ। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अभी, ही रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट। इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। और जो नए अपॉइंट हुए हैं वो इस बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सीओओ हैं। ठीक है, अभी उन्हें इंटेरिम सीईओ बनाया गया है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है हेमंग अमीन। ठीक, क्या नाम है? हेमंग अमीन। इनका नाम है हेमंग अमीन। ठीक ठीक है बच्चों, सेक्रेटरी जय शासन ऑफ अमित शाह। अच्छा, रिसेंटली एक हुआ था हिंदी दिवस,
ये भी न्यूज़ में है, हिंदी दिवस। अब मुझे बताओ ये कब हुआ था, किस डेट पर होता है हिंदी दिवस? चौदह सितंबर। अच्छा ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन है। एक तो है इंटरनेशनल हिंदी दिवस, एक है नेशनल हिंदी दिवस, ठीक। इन दोनों में फर्क है, ठीक है। जो 14th of September को होता है, इसे कहते हैं नेशनल हिंदी दिवस, ठीक है। जो 10th of January को होता है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल हिंदी दिवस, ठीक। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये करंट में था, ठीक। ठीक है। अच्छा एक और था, अब वर्ल्ड लिटरेसी डे, बताओ आंसर। वर्ल्ड लिटरेसी डे, डेज में भी एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना भाई। एक क्वेश्चन आता ही आता है जेके एस एस बी में, डेज पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। साक्षी का सबसे पहले आंसर है 8th of September। ठीक, वेरी गुड यार, 8th of September इज द राइट आंसर, ठीक। वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है 8th of September को। एक और था वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताओ इसका आंसर। सिक्सटीन्थ ऑफ सितंबर, वेरी गुड यार, ठीक। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा फोकस कर, ठीक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पंचायत अकाउंटेंट, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है रिलेटेड टू पंचायत ऑफिस, पंचायत के रिलेटेड। मोदी जी ने एक रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है, पोर्टल ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च की है। क्या की है? ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज। किस चीज के लिए लॉन्च की है? ये की है ग्राम डेवलपमेंट प्लान्स के लिए, उनकी ग्राम डेवलपमेंट प्लान्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए। हाँ जीडी जीपीडीपी के लिए, ठीक है, ग्राम डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। ये पोर्टल का काम क्या है?
ग्राम स्वराज जो पोर्टल है ये आप लोगों ने ही चलाना, ठीक है, ये पोर्टल याद रखना। अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए ना इसमें चाहे कंटेंट में, ये आप लोग ही चलाओगे इसी पोर्टल, ठीक है, ये आपके लिए तैयार किया मोदी जी ने, ठीक है, ठीक। ये पोर्टल किस चीज के लिए है? बेसिकली ये रियल टाइम, ये क्या करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही है पंचायत में, वो इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करेगा कि काम स्टार्ट हुआ है और कहां तक पहुंचा है, काम कब तक खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें अब ऑनलाइन हो जाएंगी, ठीक, ऑनलाइन ट्रैक होंगी, ठीक। ये उस चीज के लिए अपॉइंट किया है, ठीक। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट, ठीक, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट ऑफिशियल, ऑफिशियल की बात कर रहा हूं, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सोशल मीडिया है, एक सोशल मीडिया सुपर ऐप, लॉन्च, ये लॉन्च हुई है, ठीक। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो वेंकैया नायडू, ठीक, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम है नाम है एलिमेंट्स ऐप, ठीक। ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया की पहली ऑफिशियल सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ELYMENTS, एलिमेंट्स ऐप। हाँ, होगा आज, आज इकोनॉमिक्स का सेशन होगा, टेंशन ना लो, उसमें भी मैराथन सेशन होने जा रहा है आज, ठीक है, उसमें सीधा आपसे सर ने बड़े जबरदस्त एमसीक्यूज फ्रेम किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक, तो टेंशन ना लो आप।
एक और इम्पोर्टेंट करंट है काफी, ठीक, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट। रोबोट डेवलप, ठीक है, तो दुनिया का पहला इंटरनेट से कंट्रोल होने वाला रोबोट बन गया है, ठीक है। एक 23 साल के इंजीनियर हैं, 23 years old इंजीनियर, ठीक, 23 years old इंजीनियर फ्रॉम महाराष्ट्र थाने, महाराष्ट्र की एक जगह है ना थाने, वहां से हैं। बिल्कुल विवेक मिश्रा, बिल्कुल ठीक है, जिसका रोबोट का नाम है कोरो बोट। पता नहीं कोरो बोट नाम क्यों रखा है, कोरोना वायरस में ही पैदा हुआ इसलिए, ठीक है, इसका नाम कोरो बोट, ठीक। ये इंजीनियर का नाम है प्रतीक तिरोदकर, ठीक है, प्रतीक तिरोदकर, ठीक है, तिरोदकर, ठीक, प्रतीक तिरोदकर ने ये दुनिया का पहला इंटरनेट से कंट्रोल होने वाला रोबोट तैयार किया है, जिसका नाम है कोरोबोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये रोबोट डिप्लॉय भी हो गया है। ये कहाँ पे डिप्लॉय हुआ करंटली? करंटली ये महाराष्ट्र का एक हॉस्पिटल है, हॉली क्रॉस, हॉली क्रॉस हॉस्पिटल है महाराष्ट्र का, ठीक है, वहां पे इसे डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। ये वहां पे फूड्स पैकेट्स वगैरह की डिलीवरी करता है फूड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, ठीक। तो फिर इकोनॉमिक्स की आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो स्टे ट्यून्ड रहना, यहीं पे रहना, ठीक, इतनी देर रेस्ट कर लो थोड़ी सी, तो सर आ रहे हैं उसके बाद।
Hi guys, how are you people? Can people hear me? Am I audible to all of you? Manmeet, how are you? It's been a long time. Hello Sakshi, how are you? Diksha, Anayat, I'm good. Rishik, good. Good evening. That's great, Manmeet. Wonderful, Sakshi. तो आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक चल रही है? Why I'm not getting any response? आपको सुनाई दे रहा है? मैं okay, Anayat is saying it's going good by your blessing. Anayat, it's a God's blessing. Okay, Rishi, yeah, good. Okay, Manmeet. Without ACC, Rishi, what is without ACC? Accountants, don't think much about what you have done or not, okay? Prepare, work hard, risk, leave all on God, okay? And I'm sure most of you would be through. ओके सो आपकी एमसीक्यूज आपको पढ़ा रहे हैं सर. विशाल सर ने आपका एमसीक्यूज पढ़ाए और आपकी ऋषि इज सर एनी क्लास फॉर स्टैटिस्टिक्स और नॉट. यस ऋषि, ऋषि व्हाई आर सो वरीड अबाउट स्टैटिस्टिक्स? डोंट वरी, आपकी स्टैटिस्टिक्स क्लास होगी. चल ओके ओके, क्या हम स्टार्ट करें फ्रेंड्स? यस मनमीत, ओके गुड. लिसन, तो आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, हमारे पास इकोनॉमिक्स में ज्यादा टॉपिक तो रहे नहीं है, थोड़े ही हैं. तो एक टॉपिक था ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है. आई टेल यू समथिंग, अब टाइम हमारे पास जो है, हम ये वी आर एक्सपेक्टिंग एग्जाम जो टेंटेटिव आई है 15th to 20th इज अ कैलेंडर आई थिंक, समथिंग लाइक दिस. ओके एंड टुडे इट इज 25th. या सो यू पीपल आर डन विद कंप्यूटर्स, आर यू पीपल? Tell me, respond fast. Rishi is saying yes, okay. All of you tell me. You people are done with computers, okay. That's great. You are done with accountancy, almost accountancy or not? Manmeet is saying no. Sakshi, no. Okay, you're not done with, Anayat is saying 40%, Anayat, how could it be 40%? I'm sure aapka zyada hi hua hoga, accountancy. एंड इवन इफ इट इज, मैं सर से बात करता हूँ तो आपको हम अकाउंटेंसी इसको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है. ग्रेट, देन वी लेफ्ट विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड साइंस. ओके गाइज, ये पोर्शन आप खुद करेंगे साइंस. ओके लिसन, आप इसको रोज एमसीक्यू सॉल्व कीजिए. इट्स नॉट समथिंग जिसमें आपको अनायत आपने किया गुड, बाकी वालों के लिए भी ओके. रोज एक घंटा साइंस के लिए दीजिए एमसीक्यू सॉल्व कर. हाँ यस, सब कीजिए, सब कीजिए. दीक्षा गॉट इट? साक्षी आपको सबको समझ आई? साइंस आप रोज कीजिए. यस डूइंग वंडरफुल, आप सब कीजिए. ओके ओके ठीक है, यस गुड, वेलकम रितु. तो इस तरह से आप साइंस रोज सॉल्व कीजिए. अब हमारे पास जो है कंपोनेंट इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, जनरल अवेयरनेस भी है. टेल मी, जनरल अवेयरनेस आपकी होगी कंप्लीट? गुड अनायत, जनरल अवेयरनेस बताएं मुझे, आपकी कंप्लीट हो चुकी है? सर ने कराई आपको? जनरल अवेयरनेस में बच्चों आपको आई मीन हिस्ट्री, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, वो सब
मनमीत 70%, ओके, बाकी वाले बताएं मुझे, यस, ओके, दैट मींस यू आर ऑलमोस्ट डन, पीछे करंट जो उसमें है या 70-80, आई कैन अंडरस्टैंड, करंट अफेयर्स सर आप करवा रहे हैं शायद, मैंने देखा वो आपको सॉल्व करवा रहे थे आज से, यप यप, करंट अफेयर्स 4-5 दिन में आपके खत्म हो जाएंगे, ज्यादा है भी नहीं करंट अफेयर्स, नो प्रॉब्लम, जो हमारे पास रहता है मेन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स यू आर डन विद ऑलमोस्ट 85%, इज दैट, यस, आई वांट ऑल ऑफ यू टेल मी, बिकॉज ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही बोलता रहूं, यस, ओके, वी डन विद ऑलमोस्ट 85% इकोनॉमिक्स, यस, स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास है उसका एक टॉपिक आज से हम शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का मैं आज ही खत्म कर दूंगा आपके साथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, और मीनवाइल जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हमारे रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने कर लिए हैं, जो है उसको हम साइमल्टेनियसली साथ साथ में खत्म कर देंगे, इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू, यस यस, ओके, सो ये ओवरव्यू हमने देख लिया, अब आप मुझे एक चीज बताएं कि आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, यस दीक्षा, गुड गुड, मैंने देखा आप लोग उसमें ग्रुप में सारे एमसीक्यूज डाल रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, वी नीड ओनली स्टैटिस्टिक्स, यस जाके डोंट वरी, ये आपका हो जाएगा, चल स्टैटिस्टिक्स मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, देन यू विल स्टार्ट लविंग स्टैटिस्टिक्स, ओके, डोंट वरी अबाउट, ठीक है, आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का ही है तो मैं ये टॉपिक छोड़ के आपको, ओके ओके, डोंट वरी, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, आप एमसीक्यूज पढ़े बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है ग्रुप में पूछें और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, बिकॉज वही आपको अल्टीमेटली डिफरेंस क्रिएट करेगा, पढ़ना अलग चीज है और एमसीक्यू सॉल्व करना अलग चीज है, ठीक है, नाउ कम लेट्स कम टू दिस टॉपिक, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है बट सिंस सिलेबस में है और आप इसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट उस परस्पेक्टिव से, ओके, so who would be implementing and who would be monitoring ग्राम पंचायत, आप लोग ही वहां पे जाके वो करेंगे, now tell me, अगर मैं ये start करने से पहले एक चीज बताएं मुझे कि कौन सा initiative government ने लिया है e-monitoring, that means monitor करने के लिए ग्राम पंचायत को, development plan को, GPDP को, अभी शायद सर ने आपको पढ़ाया भी था वो, tell me ग्राम स्वर्ग, ओके, और बाकी वाले ई ग्राम स्वराज, देखो मैं विशाल सर को यहां बुला के ना करेक्ट करवाऊंगा आपको कि उन्होंने क्या बढ़ाया आपको, कुछ स्वर्ग बोल रहे हैं, कुछ स्वराज बोल रहे हैं, क्या है ई ग्राम, ओके विशाल सर आप बताएं कि ये ई स्वर्ग है कि स्वराज है, स्वराज है, ओके ओके, ओके, सो ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड है, ई ग्राम स्वराज, या सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इस परस्पेक्टिव से, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि ये क्या करता है कि कन्वर्जेंस है बेसिकली, यहां पे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ओके लेट मी सेलेक्ट माय माउस, okay, you can see here, it is a mandate of it, ये किनका mandate है, इसमें basically convergence, ये word मैं क्यों use कर रहा हूँ बार बार, आप इसको ध्यान से सुने, convergence का मतलब दो चीजें जब converge होती हैं, मिलती हैं, तो PRIs आपके, पंचायती राज institutions, मतलब जो हमारी पंचायत की वो election हुई, पंचायती राज institution है, इनकी convergence किनके साथ,
बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, यू नो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, यू नो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के साथ कन्वर्जेंस, मतलब कि जो पंचायत है ये अपना प्लान बनाएंगी, तो इनको कोऑर्डिनेट कौन करेगा और हेल्प कौन करेगा उनको अचीव करने में, ये डिपार्टमेंट। सो इट इज बेसिकली द कन्वर्जेंस। ये माइक, ओके ओके डोंट वरी, लेट मी, ओके अब ठीक है वॉइस आपकी सबको, इज इट ओके नाउ? यस ओके यस। तो हम वापस आते हैं, हम ठीक है, पंचायत दे हैव बीन मैंडेटेड, किनको मैंडेट दिया है, कौन बनाएगा ये, पंचायत पहली चीज, ओके क्यों क्यों बनाएंगे, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यूटिलाइजिंग ऑफ द रिसोर्सेज, जो उनके पास रिसोर्सेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और यू नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। या ऋतु, मैं ये बोल रहा था, ऋतु इज आस्किंग मी रिपीट, ऋतु बेसिकली जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है ये, मैं कन्वर्जेंस की बात कर रहा था, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पंचायत ने बनाना है इन प्लान को, और किनकी हेल्प से इनको हम रियलाइज करेंगे और किनकी हेल्प से ये यू नो एक्चुअली ये जो प्लान है ये बनकर बाहर आएंगे और ग्राउंड पे रियलिटी होंगे, वो ये डिपार्टमेंट्स की वजह से। मेरा मतलब अगर और लूसिडली मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल यू नो रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है, या हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है, या इसी तरह किसी और डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है, हम इन सब को यूटिलाइज करके इनका जो प्लान है उनको वो करेंगे। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होके हमारा अल्टीमेटली क्या बनेगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान रियलाइज होगा। एंड कौन प्रिपेयर करेगा, पंचायत प्रिपेयर करेंगे, ओके इसे बोलते हैं बेसिकली ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है, या फिर बॉटम टॉप अप्रोच, एक होती है टॉप बॉटम अप्रोच। टॉप बॉटम अप्रोच में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल ये प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन में बैठा कोई आदमी प्लान बनाता है और वो सबको फॉलो किया जाता है। जैसे और अच्छी तरह एग्जांपल दूं मैं आपको, कि से फॉर एग्जांपल मोंटेक सिंह आहलूवालिया प्लानिंग कमीशन में बैठा है और वो डिसाइड करता है कि इस साल ग्राम पंचायत को इतने पैसे दिए जाएंगे, इतने पैसों में क्या बोलेंगे कि यू नो उनको, उनके पास कोई रिपोर्ट आती है कि लोग गांव में लैंड एग्रीकल्चर लैंड पे इरिगेट करने के लिए कुछ नहीं है। सो मोंटेक सिंह आहलूवालिया बोलता है कि अब क्या करेंगे, हम हर गांव को मनरेगा के तहत एक एक पॉन्ड खोदने का काम दे दो, जहाँ इस तरह से उनको सैंक्शन कर दो पॉन्ड एक जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी बन जाए। नाउ दिस इज अ वंडरफुल अप्रोच, वेरी गुड, बट कुछ ऐसे गांव भी होंगे जहां पे ऑलरेडी 2-3 तालाब होंगे, तो जहां पे इरिगेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी बट वहां पे सड़क की प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे तो ये प्लान फेल हो गया। सो ये टॉप बॉटम अप्रोच में ये प्रॉब्लम होती है, बट बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अनायत का गाँव है या फिर साक्षी का गाँव है, तो साक्षी वो डिसाइड, वो पंचायत में अगर इलेक्ट हुई है वो डिसाइड करेगी कि मेरे गाँव को क्या पॉन्ड चाहिए या सड़क चाहिए, ठीक है, तो वो वैसा प्लान प्रिपेयर करके देगी और वो प्लान को रियलाइज करने में कौन हेल्प करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसको सड़क की जरूरत है तो पीडब्ल्यू आर एंड बी वाले आएंगे और वो सड़क बनाएंगे और अपनी स्कीम के तहत, अगर उनको इरिगेशन की प्रॉब्लम है तो हमारे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इस तरह से। आपको समझ आया बेसिक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम बताओ मुझे, आप सबको समझ आया, बाकी वाले बताओ। आई एक्सपेक्ट कि आप नो सर जो लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिशा यस आप कर रहे हो, क्या आपको ठीक है समझ आ गया ना, ओके ओके
ठीक है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे लिखा है द पीडीपी प्लानिंग प्रोसेस हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेस्ड अपॉन द पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा ये देखिए, एक तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ये डायरेक्ट एमसीक्यू ऐसा आ सकता है, और एक पार्टिसिपेटरी होगा। पार्टिसिपेटरी कैसे होगा कि ये पंचायत बनाएंगी और किनसे पूछ के, जो लोगों की नीड है उनका से होगा इसमें, इसीलिए दिस इज पार्टिसिपेटरी। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होगा, ये किसी एक चीज पे नहीं होगा, इसमें सैनिटाइजेशन भी होगी, रोड्स भी होंगे, यू नो ट्रांसपोर्ट भी होगा, हर चीज होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ठीक है, विच इन्वॉल्व फुल कन्वर्जेंस विद द स्कीम्स ऑफ ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज स्लैश लाइन डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू 29 सब्जेक्ट्स एंड लिस्टेड इन द 11th स्केड्यूल। जो 11th स्केड्यूल में जितने भी सब्जेक्ट एंड लिस्टेड है, उन सब से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, ठीक है, उनके थ्रू ये कन्वर्जेंस होगी। आपको समझ आया इसमें कोई प्रॉब्लम? ये टर्म्स आपने बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यू नो, ये देखिए, ये आपको याद रखनी है, ऐसे डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि ये मैंने साइट से लिया है, जो उनकी साइट है एग्जैक्टली, ये है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, पार्टिसिपेटरी होगा, कन्वर्जेंस, गॉट इट? आपको समझ आया टर्म्स का मतलब? गुड इनायत, बाकी वालों को गुड, साक्षी, रितु गुड, प्रयास वंडरफुल, तो आपको सबको समझ आया? मनमीत बच्चे, आपको समझ आया? कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ये रही अगली, अब आपको इस चीज का पता होना जरूरी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक प्लान है या कैंपेन है गवर्नमेंट की, इसका नाम है सबकी योजना सबका विकास। किस किस ने पहले इसके बारे में सुना है? ओके, अनायत, बाकी वाले That means बाकी वालों ने नहीं सुना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके साक्षी, गुड। सबकी योजना सबका विकास कैंपेन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसको पीपल्स प्लान कैंपेन भी बोलते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा है पीपल्स प्लान कैंपेन, ऑल्सो नोन एज सबकी योजना सबका विकास। ये सेप्टेंबर 2019 में हुआ। इसका एम क्या है? इसका एम है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को ड्रॉ करना, मतलब बनाना इन द कंट्री, ठीक है, और ये प्लेस करेंगे उस वेबसाइट पे जो उनकी वेबसाइट है, ठीक है। दैट मींस इसी कैंपेन के अंडर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान आए। ओके, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यू नो सबकी योजना सबका विकास जो कैंपेन है is related to what? तो आपको चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जहां आपको दिया जा सकता है कि फर्स्ट इज वॉटर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, थर्ड इज यू नो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ इज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान।
तो आपका आंसर क्या होगा? ओके गुड, गुड, दैट मीन्स सबको समझ आ गया। ओके तो आपको इसको अब याद कर लेना है, कौन सा है ये ग्राम पंचायत सॉरी सबकी योजना सबका विकास कैंपेन, इसको हम पीपल्स प्लान कैंपेन भी बोलते हैं। पीपल्स प्लान क्यों? यप, पीपल्स प्लान क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत बनाती है। यप, ग्राम पंचायत कैसे? यू नो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो वो लोगों से पीपल्स पार्टिसिपेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली साक्षी, गुड। तो अगर आप साइट पे भी जाएंगे, ठीक है, वहां पर भी ये दिया हुआ है कि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, उसके नीचे सबकी योजना सबका विकास। गुड, ओके। अब हम गाइस, इसमें ना दो मिनिस्ट्रीज बड़ी उभर के आती हैं, एक है पंचायत राज और एक है रूरल डेवलपमेंट। तो ये इन दोनों का कन्वर्जेंस है। अगर हम आगे चलें, तो ये आगे देखो, यहां पे मैं आपको ये टर्म्स जो समझा रहा था उनका, लेट मी टेक पेन फर्स्ट। ये टर्म्स जैसे मैं अब बताता, कॉम्प्रिहेंसिव, पार्टिसिपेटरी, बाय इन्वॉल्विंग फुल कन्वर्जेंस विद द स्कीम्स ऑफ ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ये हमने पढ़ा। पीपल्स इनिशिएटेड अंडर सबकी योजना सबका विकास, ओके, ये ग्राम सभा। कन्वर्जेंस बिटवीन होम पीआरआईज एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। पीआरआईज मैंने बताया ग्राम पंचायत साहब के, और कंसर्न डिपार्टमेंट्स बाकी वाले, डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी डिमांड। ओके, इसमें ज्यादा कुछ है करने के लिए इस टॉपिक में, बट सिंस ये आपके उससे रिलेटेड था तो हमने इसीलिए हम इसको ओवरव्यू गो थ्रू करने मेजर में, ठीक है। अब इस स्लाइड पे देख लें तो इसमें मैंने इन्होंने बताया है कि ग्राम पंचायत की रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में इन्होंने हर ग्राम पंचायत को 100 मार्क्स दिए जाते हैं, और 100 मार्क्स को उन्होंने डिवाइड किया है तीन पार्ट में, ठीक है। 30 मार्क्स दे दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, 40 मार्क्स दे दिए हैं, सॉरी 30 मार्क्स फिर से दे दिए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे, और 40 मार्क्स दे दिए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसी वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इस बेसिस पे उन्होंने, यू नो, एक साल था 2000, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा, तब इन्होंने क्या किया उसको मेजर किया, और ये देखा कि जो ग्राम पंचायत है उनकी प्रॉब्लम्स बड़ी ज्यादा है, एड्रेस नहीं हो रही, तो इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का। लेट मी टेक यू ऑल ऑफ यू टू दैट स्लाइड सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, दिस, या ये एक रैंडम चोजन ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत चूज की कंट्री में, वहां पे जब इनका वो किया जीपी ग्राम पंचायत का, इन्होंने वो किया टेस्ट हुआ वहां, और किया किसने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, ठीक है। तब इन्होंने देखा कि बहुत सारी पंचायत के डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं और उनका स्कोर इज वेरी, यू नो, बैड, टेरिबल, तो इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का फिर कंसेप्ट उनको ऊपर कराया। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, द इंस्टीट्यूट इन चार्ज जिसने ये कंडक्ट करवाया था, ठीक है, ये है क्या बेसिकली, ये किसके अंडर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट अगर हम कोई पढ़ रहे हैं और उसके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है तो हमें पता होना चाहिए. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? रूरल डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट के अंडर आएगी. ओके, ये मिनिस्ट्री है. दूसरी है कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. किसने रिकॉग्नाइज किया? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, आपने, ठीक है, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया है. ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है, बट यू शुड नो. ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यू नेवर नो, आपको जेकेएसएस में ये सीधे पूछ लिया जाए. इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, गाइस, ठीक है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है. लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हमने नॉर्थ ईस्ट की एड्रेस करने के लिए, इसका एक रीजनल सेंटर गुवाहाटी दैट इज इन असम में भी है. सो अगर इसका सेंटर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, दैट इज इन हैदराबाद, और एक सेंटर इसका गुवाहाटी में भी है. कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको कैसे हमारा वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान केम इन टू एग्जिस्टेंस. ओके, आई नो आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट आई एम सॉरी फॉर द टॉपिक, ऐसा है, ठीक है. अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ओके, कितनी ग्राम पंचायत है हमारी कंट्री में, ये पता होना चाहिए. हमारी कंट्री में 2,48,000, ऑल ऑफ यू वुड राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन कि आपको याद हो जाए, 2,48,160 ग्राम पंचायत. कितनी? 2,48,160. ऑल ऑफ यू राइट. यस, क्योंकि गाइस इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. मे भी बड़ा मोनोटोनस सा लगे, लेकिन अगर आपने किया होगा तो आपके लिए एक मार्क एक्स्ट्रा होगा. हम क्यों मिस कर 2,48,160, रिपीट इट सो दैट आपको याद हो जाए. ओके, साक्षी आप भी लिखो. गुड साक्षी, रितु, मनीषा, मनमीदा आपने लिख दिया, वंडरफुल. यप, सलीम आपका बड़ा अच्छा तरीका लिखने का, 2L48T160. ओके गुड, यप. तो आपके लिए ना एक होमवर्क है जो आपको अभी करना है. होमवर्क ये है कि मैंने बताया कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट दो मिनिस्ट्रीज हैं, पंचायती राज, आई मीन पंचायत डेवलपमेंट, और एक रूरल डेवलपमेंट. टेल मी इसकी मिनिस्टर्स कौन है, इसके इंचार्ज. ओके, इसके मिनिस्टर्स कौन है? ऑल ऑफ यू वुड टेल मी नाउ. मनमीत, नरेंद्र सिंह तोमर किसके हैं? ओके, रूरल के, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के कौन है? All of you tell me. You can Google it also, no problem. But ये हम अभी करके आगे बढ़ेंगे. यही है तोमर शायद.
सब बताएं मुझे। मनीषा सिंह रामाचंद्र रेड्डी। मनीषा किसके हैं? ओके साक्षी। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, देखिए जिस डिपार्टमेंट का एग्जाम है आपको उसका मिनिस्टर तो पता होना बहुत जरूरी। अभी इंटरव्यू तो है नहीं, बट अगर आप इंटरव्यू होता तो आपको डायरेक्ट पूछा जाता, बट यू नेवर नो, शायद आपको ये जनरल अवेयरनेस में या यू नो इकोनॉमिक्स में ही पूछ लिया जाए। अनायत सिंह नरेंद्र कुमार धौले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायत इंडिपेंडेंट। व्हाट यू आर सेइंग अनायत मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया, ना तो ये नाभा है ना ये धौले है। और मनीषा ये आपने रामाचंद्र रेड्डी कहां से लाया? मनमीत मैंने सेक्रेटरी नहीं पूछा बच्चे आपसे, मिनिस्टर है मिनिस्टर। ओके शायद आई डोंट नो आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है इसमें। आप मैंने आपको लिबर्टी भी दी है, आप गूगल कर सकते हैं सो दैट आपको सीखे। व्हाई डोंट यू गो ऑन गूगल एंड सिंपली टाइप दैट मिनिस्टर इन चार्ज फॉर पंचायती राज एंड मिनिस्टर इन चार्ज फॉर रूरल डेवलपमेंट। ऋतु सिंह नरेंद्र सिंह तोमर रूरल के हैं, यस मान लिया ऋतु की ये बात मान लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर दीक्षा ये परसोत्तम भाई किसके हैं? मीनवाइल विशाल सर हमारी हेल्प करेंगे। विशाल विशाल सर आप बताएं, ये आपके डोमेन का क्वेश्चन है, हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है? ओके विशाल सर कह रहे हैं, हम विशाल सर की विजडम पे जाते हैं कि कह रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है। ओके पंचायती राज के कौन है विशाल सर? ओके विशाल सर कह रहे हैं कि पंचायती राज के भी नरेंद्र सिंह तोमर है, दैट मींस दोनों के ये हैं। कोई ऐसा है जो ये एग्री नहीं करता मुझसे? बिकॉज मैं विशाल सर से बिल्कुल एग्री करता हूं, इनसे एग्री करके नहीं कर कहां जाना है हमने। ओके सो रूल सब एग्री करते हैं, ऑल ऑफ यू लाइक मी वी बिलीव कि विशाल सर सही बोल रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के जो मिनिस्टर इंचार्ज है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये नाम हमें याद होना चाहिए। कैसे याद होता है? नरेंद्र हम अपने प्राइम मिनिस्टर से ले लेते हैं, नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र सिंह तोमर। ओके यस लेट्स आगे बढ़े, काफी हो गया नरेंद्र सिंह तोमर पे। या जब तक मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं आप सब कमेंट सेक्शन में एक बार ही मिनिस्टर का नाम लिखें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हमारा ये क्वेश्चन ठीक होता है तो हम विशाल सर को थैंक यू बोलेंगे। ओके गुड गुड। सो हमारा इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ है नहीं, ना मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा, बाकी आप इसमें एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा ठीक है। बट मुझे ये बताएं कि कौन सी अमेंडमेंट के अंडर हमारा पंचायती राज आया था। वेरी इजी आई नो बट आई स्टिल वांट टू नो बिकॉज मे बी मुझे नहीं पता है। टेल मी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केम अंडर विच अमेंडमेंट? साक्षी सिंह 73। ऑल ऑफ यू नो दैट्स वंडरफुल। आप लोग सोच रहे होंगे सर कितने नहलाएंगे, सर को पता ही नहीं। गुड
And which state was the first to have this Panchayati Raj? कौन सी स्टेट थी जिसमें पहली बार पंचायती? राजस्थान. गुड गुड. मतलब आप सबके एमसीक्यूज और जनरल अवेयरनेस अच्छी है. विशाल सर ने अच्छा पढ़ाया. गुड. विशाल सर हंस रहे हैं मेरे सामने. नो प्रॉब्लम. ठीक है गाइस, ये टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, तो यही एमसीक्यूज बनते हैं, ज्यादा और है नहीं कुछ इसमें. ठीक है, तो मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा आपके. ठीक है, सैम्पलिंग और यू नो सॉरी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. टेल मी फास्ट. पूछा गया है स्टैटिक्स पढ़ाओ या नहीं? टेल मी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं स्टैटिस्टिक्स आगे रिज्यूम करूं. मनमीत? नो सर. साक्षी? सर. साक्षी सर से मुझे समझ नहीं आया. ओके उमंग? नो सर. मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, गो फर्स्ट. ऋषि, आई नो आप स्टैट पढ़ना चाहते हैं ज्यादा. क्लियर सर? ओके. अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज टेल मी, हम पढ़ लेंगे इसको फिर से. जो आपको लगता हो वो चीज हमने इसमें छोड़ी है, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ है भी ज्यादा करने वाला. ठीक है, बट स्टिल हम करेंगे अगर आपको कोई इशू होगा. ठीक, लेट्स मूव ऑन. मैं स्टैटिस्टिक्स पे जाता हूँ. लेट मी फाइंड द रेलेवेंट स्लाइड हियर. एंड द रेलेवेंट स्लाइड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, यस, आज का टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिक्स में होने वाला है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स. ये टॉपिक अगर आप सिलेबस देखोगे, आई कुड नॉट फाइंड द सिलेबस स्लाइड ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, बट आई नो दिस टॉपिक इज देयर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस थिंग. सो वी हैव सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर. इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया, हमें क्या करना है, हमें पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स लेने हैं. बाय लो हैंगिंग फ्रूट्स व्हाट आई मेंट टू से इज, जैसे पेड़ के ऊपर जो पके हुए फल होते हैं नीचे वाले, हम पहले वो लेंगे. इजी टॉपिक्स, दैट मीन्स हमारे मार्क्स पहले स्कोर हो जाए. इजी टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, जैसे बहुत लोग, मैंने आपको बताया होगा कि जब ये प्रेपरेशन कर रहे होंगे, सिर्फ अकाउंटेंसी के ऊपर ही टाइम वेस्ट करते रहे. यस, इट इज इम्पॉर्टेंट, बट यू डोंट हैव टू बी एन अकाउंटेंट और यू डोंट हैव टू बी ए अकाउंट्स ऑफिसर. आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं चाहिए, उसके सिर्फ 30 मार्क्स हैं. यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, और एग्जाम क्रैक करने के लिए एवरी सिंगल मार्क मैटर. एंड उसके लिए आपको सबसे पहले तो बेसिक मार्क्स जो आपके इजी हैं वो तो स्कोर करो, फिर नेक्स्ट वाले के लिए नेक्स्ट चलते हैं. करेक्ट? सो इफ यू गेट थ्रू दिस एग्जाम, नोबडी इज गोइंग टू गेट एंड नोबडी इज गोइंग टू कम एंड आस्क यू कि आपके अकाउंटेंसी में कितने मार्क्स है. इवन इफ यू स्कोर जीरो एंड देन ऑल्सो यू क्लियर दिस एग्जाम, दैट हार्डली मेक्स एन डिफरेंस टू एनीबडी. योर द अल्टीमेट मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी, यू शुड बी देयर इन द लिस्ट. ओके, तो हमारा पहला लो हैंगिंग फ्रूट आज का क्या है, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर. ओके, या बिल्कुल साक्षी, हम बजटिंग फॉर पंचायत जरूर करेंगे, डोंट वरी. ओके, अभी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है तो हम इसको कर लेते हैं. ठीक है, डोंट वरी. सो ओके, नो प्रॉब्लम मैट साक्षी, देयर इज नो नीड टू से थैंक यू. ओके फ्रेंड्स, सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग, पहले आपको सैंपल का मतलब पता होना चाहिए. सैंपल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे हम अनायत एग्जाम्पल लेते हैं. अनायत ने क्या करना है कि अनायत एक सर्वे करना चाहता है कि कश्मीर में, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अनायत कश्मीर से है, कश्मीर में जो एप्पल की वैरायटी है वो किस लेवल की है. वो बनाता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह से वो कैटेगराइज करता है. बट इट इज नॉट पॉसिबल अनायत को कि वो
हर बंदे के पास या हर ऑर्चर्ड में जाके चेक करें, ओके मे बी इट इज पॉसिबल उसके लिए हो, बट हम एज्यूम करते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है अनायत के लिए कि हर ऑर्चर्ड में जाए। तो अनायत क्या करेगा, अनायत एक छोटा सा सैंपल लेगा। सैंपल का मतलब अनायत क्या करेगा, तीन चार लोगों के या तीन चार ऑर्चर्ड के पास जाएगा, उधर से दो दो सेब उठा लेगा, ठीक है। इन दो दो सेब के कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर ये वो थ्योरी बनाएगा कि मैंने 10 सेब लिए, एक एक एप्पल लिया एक एक ऑर्चर्ड से, इन 10 जगहों से 10 प्लेसेस, और मे बी इस तरह से अनायत करे, अनायत इंटेलिजेंट अगर है, आई होप वो है, 10 डिस्ट्रिक्ट में जाए, कश्मीर डिवीजन की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के ऑर्चर्ड के एक ऑर्चर्ड का एक एप्पल ले आए सैंपल, ठीक है, और उसके बेस पे कंक्लूजन निकाले कि यार हमने देखा कि 10 में से 5 ग्रेड 2 थे और 5 ग्रेड 1 थे। तो ये अज्यूम करके ये थ्योरी देगा अनायत कि कश्मीर में 50% ऑफ द एप्पल्स दे बिलोंग टू ग्रेड 1 एंड 50% ऑफ द एप्पल्स बिलोंग टू ग्रेड 2। ओके, सो ये 10 एप्पल क्या थे, ये 10 एप्पल सैंपल थे। ओके ऋषि, वो हमें तब पता चलेगा जब आप हमें सेब खिलाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के। ओके, सो इस तरह से इसको हम बोलते हैं सैंपल। आपको सैंपल का समझ आ गया, सैंपल क्या है, सैंपल डेफिनेट, थैंक यू ऋषि। सैंपल का मतलब क्या है, अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द होल पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हमने थोड़ा सा प्रपोर्शन ले लिया और उसको स्टडी करें, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक्स, हमारा रिसोर्सेस उतने नहीं है कि हम पूरी पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सके। पॉपुलेशन का मतलब पूरा जो हमारा डाटा है उसको स्टडी तो कर नहीं सकते, हम सैंपल को स्टडी करेंगे। ओके, तो इसको ये सैंपल होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम बोलते हैं सैंपल। गुड, तो ये हमारा आ गया, आपको सैंपल का पता चल गया, ठीक है। अब एरर्स कहां से आ गए, सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर क्या हो गए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस कंडक्ट करवाती है। चलो मैं आपको ऋषि अनायत वाला एग्जांपल देते हैं, जो अनायत ले रहे थे। अनायत ने एप्पल का सेंसस कर रहे हैं जहां उसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं। अब दो चीजों की गलती अनायत कर सकता है। पहली गलती कि अनायत ने जो ग्रेड्स बनाए हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 या ग्रेड 3, वो है ही गलत, दे आर साइंटिफिकली इलॉजिकल, ठीक है। दूसरी गलती क्या हो सकती है, दूसरी गलती ये हो सकती है कि जो टेस्ट किए हमने, ठीक है, वो ही गलत है। मतलब हमारी जो हमने टेक्निक यूज की, जो हमने, और जिनके पास एप्पल लेने गए उन्होंने गलत एप्पल दे दिए, ये सब, ये दो टाइप के एरर। अब हम यहां देखेंगे सैंपलिंग एरर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये आ गया आपका नॉन सैंपलिंग एरर और ये सैंपलिंग एरर, ठीक है। अब नॉन सैंपलिंग एरर का मतलब क्या हुआ कि जो सैंपल की वजह से नहीं हुए, मतलब देखो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए सैंपल की वजह से एरर कौन से हो सकते हैं। सैंपल की वजह से एरर क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी अनायत की, जब कश्मीर डिवीजन की बड़ी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्टें थी, और अनायत ने क्या किया कि जो एप्पल्स लिए वो शायद एक उस ऑर्चर्ड से उठाया श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का या ऋषि की डिस्ट्रिक्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट से उठाया जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ऑर्चर्ड पूरी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऋषि की डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्पल मिलते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि ऋषि एप्पल, ये कैटेगरी के, ये यू नो इस तरह के एप्पल वहां मिलते हैं। बट जब अनायत वहां एप्पल लेने गया, वो उस ऑर्चर्ड में गया जहां पे ऋषि एप्पल नहीं मिलते थे, वहां पे सलीम एप्पल उठा लिए उसने, ओके और ये इकलौता ऑर्चर था जहां पे वो चला गया, जहां पे ये एप्पल मिलते थे, बाकी सब में तो ऋषि के एप्पल मिलते थे, ऋषि एप्पल थे। तो हुआ क्या, दैट मीन्स सैंपल ही गलत उठाया। आपको समझ आया
जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, द एरर विच इज ड्यू टू द रॉन्ग सैंपल और द व्हेन द एरर इज ड्यू टू द रीजन ऑफ द सैंपल. आप सब बताएं, आपको समझ आया जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपको नहीं समझ आया आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम. ओके, ऑल ऑफ यू टेल मी. देखिए अगर हम स्लाइड, गुड साक्षी, गुड रियाज, गुड मोहम्मद सलीम, अनायत, गुड. अगर हम यहां पे देखें तो ये देखिए, दे कैन अराइज आउट ऑफ डिफेक्टिव सैंपल डिजाइन्स, फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ यूनिट्स और बाकी और रीजन जो सैंपल की वजह से है. ठीक है, इसको ये क्या है हमारा, सैंपलिंग एरर. अब नॉन सैंपलिंग एरर कौन सा हो गया? नॉन सैंपलिंग एरर आ गया गाइस जो सैंपल की वजह से नहीं है. विच इज नॉट ड्यू टू द सैंपल. और वो किसकी वजह से है? वो जो अनायत की वजह से. अब अनायत कौन कौन सी गलतियां कर सकता है? अनायत ये गलती कर सकता है कि जाना था कश्मीर की डिस्ट्रिक्टों में, चला गया हिमाचल के डिस्ट्रिक्टों में. अब अनायत आ सकता है वो हिमाचल क्यों गया, ठीक है, बट ये अनायत की गलती है. ठीक है, या फिर जो क्वेश्चनेयर बनाई थी इसने, क्वेश्चनेयर क्या होती है, इसमें क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन बता के इसने एप्पल लेने थे वही गलत बनाई है इसने. ठीक है, या फिर अप्रोच, अप्रोच कैसे गलत हो सकती है? ये अनायत ऋषि के पास गया और उसने बदतमीजी से बात की, ऋषि ने बोला मैंने सेब नहीं देना टेस्ट करने के लिए, जाओ खत्म बात, आपकी अप्रोच ही गलत. ओके, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे थे आपने इंफॉर्मेशन ही गलत कलेक्ट की वहां जाके, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है. आपने इंफॉर्मेशन सही कलेक्ट की ओके, बट आपने उसको जो प्रेजेंटेशन करनी थी वही गलत की. ये भी हो सकता है कि आपने ये देखिए लाइक दिस, डाटा प्रेजेंटेशन गलत की, डाटा कलेक्ट गलत किया, टेबुलेशन गलत की, या फिर आपने सब सही किया, आपने एनालिसिस ही गलत किया. मतलब 50% एप्पल G1 के थे और 50% एप्पल G2 के थे, लेकिन आप कंक्लूजन लेके क्या आते हो कि सारे एप्पल 100% एप्पल बिलोंग्स टू G2. दैट्स रॉन्ग कंक्लूजन. ओके, किसी को इसमें समझ, किसी को इसमें प्रॉब्लम? टेल मी, सबको समझ आया ये? यस, गुड. ओके, दैट मींस आप सबको समझ आ रहा है. गुड. नाउ सैंपलिंग एरर्स आर एरर्स व्हिच आर ड्यू टू सैंपल, एंड नॉन सैंपलिंग आर एरर्स व्हिच आर ड्यू टू द पर्सन हु इज कंडक्टिंग, व्हिच आर नॉट ड्यू टू द सैंपल, या किसी और रीजन की वजह से आप टेक्नोलॉजी गलत कर रहे हैं, कोई और रीजन जो भी हो, वो सैंपलिंग, वो नॉन सैंपलिंग एरर होगा. आपको डायरेक्ट एमसीक्यू ऐसे आ सकता है आप की, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग एनालिसिस ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर इज कैटेगराइज अंडर विच टाइप ऑफ द एरर, सैंपलिंग एरर या नॉन सैंपलिंग एरर? टेल मी. ओके, गुड गुड. नॉन सैंपलिंग, ओके ओके. अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं मैं कि द
प्रिपरेशन ऑफ द प्रिपरेशन स्लैश यूज ऑफ द रॉन्ग टेक्नोलॉजी इन प्रिपेयरिंग अ रिसर्च कैन बी कैटेगराइज अंडर सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर. ओके ओके साक्षी आप सैंपलिंग लिख रहे हो क्यों? जाकिर आप भी सैंपलिंग लिख रहे हो क्यों? मेरा क्वेश्चन मैं फिर रिपीट करता हूं, टेल मी. ओके आप फिर से जवाब दीजिएगा. जो हमने टेक्नोलॉजी यूज की है कम टू द कंक्लूजन, ठीक है, या क्वेश्चनेयर बनाने के लिए कुछ भी, वो गलत है तो वो किस टाइप का एरर हुआ? साक्षी और जाकिर आप आंसर दें. गुड दीक्षा. I'm waiting for your answer. Please pass. Good, Ritu. Good, Sakshi. Zakir, आपको problem अब? बच्चे बताओ. Yes, Zakir. Even if it is due to non-efficiency of technology, तो वो क्या sampling error होगा या non-sampling error होगा? No, you cannot conclude in sample maybe, Zakir. देखो question को आप ज्यादा, कभी कभार question हम ज्यादा सोचने में गलत कर देते हैं. It is very simple. क्या sample की वजह से है? क्या आपको मैंने sample में ये बोला कि sample की वजह से है error? No. It is technology जो हम use कर रहे हैं. Or any error which is not due to the sample is going to be categorized as non-sampling error. Got it? Very simple. आपको ये marks score करना है, ठीक है? So do not think much. आपको यही categorization और demarcation देखनी, ठीक है? Question आते हुए अगर हम गलत करें तो वो problem है, ठीक है? Okay. ये आगे आप पढ़ लीजिएगा थोड़े से. क्या है नॉन सैम्पलिंग एरर, रिस्पॉन्स एरर, ये नॉन रिस्पॉन्स एरर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम हियर. आई विल शिफ्ट ऑन टू ओके. जस्ट अब एक चीज और, लेट मी टेक यू. देखिए दो एरर होते हैं, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर. आई डोंट नो आपको ये मिलेगा या नहीं, बट इस पे क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं. टाइप वन एंड टाइप टू एरर. टाइप वन को हम अल्फा डिनोट करते हैं, दैट इज अल्फा. टाइप टू को बीटा, सॉरी बीटा डिनोट करते हैं. ओके ठीक है. हाँ, इससे मैं याद आया, आप लोगों ने ग्रुप में पूछा है कि सर पीडीएफ हमारी अपलोड नहीं हुई है. बच्चे मैंने चेक किया है कि हमारी लास्ट सेशन तक पीडीएफ सारी अपलोड हुई है. सो जब आप जाते हैं उस पे यू नो प्लेटफॉर्म पे एडुफैम पे, ठीक है, edufam.in पे, तो वहां पे ऐसा ना देखें कि एक ही पीडीएफ है तो अगली नहीं डाउनलोड है. उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और नीचे स्क्रॉल करके देखें क्या वो लेटेस्ट है या नहीं है, ठीक है. डू नॉट जस्ट कंक्लूड बाय लुकिंग एट कि एक ही पीडीएफ है तो अगली को नहीं होगी. मे बी उसी में ही नीचे हो और मैंने देखी है कि वो अपडेटेड है. आप सब भी देखें, शायद मैं भी गलत हूं, मुझे बताएं. ओके कमिंग बैक, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर, ठीक है, अल्फा और बीटा, गॉट इट.
ओके सो अब टाइप वन एरर क्या होता है, मैंने आपको बताया जब आप हमने अनायत की एग्जांपल ली थी कि अनायत ने क्या किया, एप्पल्स के ऊपर रिसर्च करने की सोची, ठीक है। जब अनायत ने एप्पल्स के ऊपर रिसर्च करने की सोची तो बड़ी ज्यादा गलतियां हो सकती हैं, सैंपलिंग एरर भी हो सकता है, नॉन सैंपलिंग एरर भी हो सकता है। अब आपका पहले तो एक होमवर्क लिख लीजिए कि टाइप वन एरर और टाइप टू एरर किस में आता है, सैंपलिंग एरर या नॉन सैंपलिंग एरर। आपको ये जैसे ही ये क्लास खत्म होगी आपको ये हमारे जो प्रिपरेशन ग्रुप है उसमें ये लिखना है कि टाइप वन एरर किस में आता है, टाइप टू एरर किस में आता है, या दोनों किस में, सैंपलिंग या नॉन सैंपलिंग। गॉट इट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो हम टाइप वन और टाइप टू की बात कर रहे हैं, तो ये होमवर्क सारे करें। अच्छा, टाइप वन क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मुझे आपको पहले नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब हम रिसर्च करते हैं बच्चों तब क्या होता है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब कि मैं एक हाइपोथेसिस लेके चलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अनायत ने सेब के ऊपर रिसर्च करनी है, तो अनायत ने दिमाग में एक चीज तो रखी होगी ना कि कश्मीर के जितने भी सेब हैं वो क्या होंगे, ग्रेड वन होंगे, ये उसकी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो अनायत अगर रिसर्च करके उसको पता चलता है कि नहीं कश्मीर के कुछ सेब ग्रेड टू भी हैं, तो वो क्या करेगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा और एक्सेप्ट किसको करेगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ठीक है। इसमें जाना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, ये आपकी उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए। टाइप वन एरर में क्या होता है बच्चों कि आपने क्या करना है, रिजेक्ट कर दिया एक ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब मैं इसको क्लियर करके समझाता हूं, टाइप वन में आपने रिजेक्ट कर दिया, दिस इज रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दिया एक ट्रू नल हाइपोथेसिस, दैट मींस हाइपोथेसिस तो ट्रू थी लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल बंदा क्या था, इंसान इनोसेंट था, इंसान इनोसेंट था, लेकिन आप यहां पर रिसर्चर समझ लो, आप जज हैं, जज भी तो रिसर्चर होता है, वो एविडेंस के लिए रिसर्च करता है, ठीक है। बट उसने क्या कर दिया, उसने बोला ये, उसको पता नहीं चला वो किसी भी एरर की वजह से उसने कौन सा एरर कमिट किया, टाइप वन, टाइप वन एरर क्या, बंदा इनोसेंट था लेकिन उसने बोला इसको फांसी चढ़ा दो और ये बंदा मर गया, तो ये कौन सा टाइप वन एरर। टाइप वन एरर इज व्हेन यू रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, दैट मींस हाइपोथेसिस ट्रू थी, आपको उसको एक्सेप्ट करना था लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये है टाइप वन एरर। समझ आया टाइप वन एरर, मैं फिर समझाऊंगा थोड़ा, लेकिन आपको बेसिक समझ आया। यस, ओके, गुड, दैट मींस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इट इज ट्रू, अगर मैं इसको बॉक्स में बनाऊं, इस तरह से ये टाइप वन, ये टाइप, ठीक है। सो ये आगे आपकी नल हाइपोथेसिस, ओके। अगर ये ट्रू है, ठीक है, टाइप वन में मैं क्या करूंगा इसको, टेल मी गाइस, अगर ये ट्रू है और मैंने टाइप वन एरर कमिट करना है तो मैं इसे क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा,
रिजेक्ट. गुड ऋषि, ऑल ऑफ यू वंडरफुल, गुड. मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूं, तब ये टाइप वन एरर होगा. ठीक है, अब टाइप टू मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, आगे आराम से समझाऊंगा. ठीक है, ओके. तो ये टाइप वन एरर हो गया. दूसरा आपका टाइप टू जो मैं बता रहा था, इसमें क्या करते हैं हम लोग बच्चे, इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को. मतलब हम क्या करेंगे, जज की एग्जांपल लेंगे. जज यहां क्या कर देगा, एक गिल्टी था बंदा जिसने चोरी की थी या मर्डर किया था, उसको रिलीज कर दे. दैट मींस इसने एक्सेप्ट कर दिया. रिलीज का मतलब यहां पे जज ने एक्सेप्ट किया उस हाइपोथेसिस को. जो हाइपोथेसिस क्या थी, रॉन्ग थी, मतलब फॉल्स. ओके, तो यहां पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, फॉल्स होगी. यहां पे बताओ मुझे, रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा. गुड गुड. अगर आपको नहीं भी समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये बाय हार्ट लर्न कर लेना. ओके ओके, ये आपको बाय हार्ट याद करना है. मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूं. इसमें टाइप वन एरर इज रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. ओके, यस मनीषा, सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट की बात नहीं है. आपने लिखा टाइप वन रिजेक्ट, यस रिजेक्ट, बट हुम, अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. उसी तरह टाइप टू एरर क्या होगा, एक्सेप्ट करेंगे हम अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस. आपने जज वाली एग्जांपल याद रखनी है. जब जज एक इनोसेंट बंदे को फांसी पे चढ़ाएगा, वो होगा टाइप वन एरर. जब वो एक गिल्टी बंदे को रिलीज करेगा, वो होगा टाइप टू एरर. किसी को प्रॉब्लम इसमें, समझ आया? गुड साक्षी, गुड दीक्षा, सब बताओ मुझे. और ये आज हम प्रिपरेशन वाला जो ग्रुप है जिसमें हमारे काफी बच्चे हैं, आप सब उसमें डालोगे. लेट द अदर पीपल फील कॉम्प्लेक्स कि हमें आता है टाइप वन एंड टाइप टू. क्लियर, गुड. अभी काफी पढ़ लिया हमने, हम इस क्लास को रोकेंगे नहीं. बाई व्हाट आई मेंट टू से बाय दिस, रोकेंगे नहीं. अब मैं क्या करूंगा, हमारा जो ग्रुप है जिसमें आप 20 बच्चे हैं, हमारा जो प्रिपरेशन वाला ग्रुप, सॉरी 20 बच्चों वाला ग्रुप है, उसमें मैं बीच में आपको मैसेजेस के थ्रू बताऊंगा. आप सब मैसेजेस पे एक्टिव रहें कि कैसे हम टाइप वन और टाइप टू एरर मिनिमाइज करेंगे. मतलब जब हमें पता है कि एक रिसर्च करते वक्त, अब जज हम ये सोचे कि जज को पता है मैं टाइप वन एरर भी कर सकता हूँ, टाइप टू एरर भी कर सकता हूँ. दैट मीन्स टाइप वन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड टाइप टू इज ऑल्सो रॉन्ग. यू कैन नॉट, आप एक किसी इनोसेंट बंदे को, यस अनायत, मैं यही इसी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी एक इनोसेंट बंदे को फांसी नहीं दे सकते, वो टाइप वन एरर है. वो भी तो हमें मिनिमाइज करना है, कम करना है, और कैसे ओवरकम करना है. और टाइप टू भी गलत है, आप किसी गिल्टी बंदे को छोड़ नहीं सकते, वो भी गलत है. तो जज की क्या अप्रोच होनी चाहिए, या रिसर्चर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको टाइप वन एज वेल एज टाइप टू क्या करने, मिनिमाइज करने हैं. अब मैं क्यों ओवरकम नहीं यूज कर रहा हूँ, मिनिमाइज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी रिसर्च में आप इसको ओवरकम कंप्लीटली नहीं कर सकते. क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप टाइप वन कम करने जाओगे, टाइप टू बढ़ जाएगा, और टाइप टू कम करने जाओगे, टाइप वन बढ़ जाएगा. ठीक है, ये बड़ा डीप है, आपको इतना याद करने की जरूरत है सिर्फ. तो आप कंप्लीटली इसको ओवरकम नहीं कर सकते, आप बस मिनिमाइज कर सकते हैं इसको. ठीक है, जैसे इंसान गलतियां, ऐसा तो कोई इंसान हो नहीं सकता जो गलतियां करे ही नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कम गलतियां करें.
उसी तरह हम इन एरर्स को मिनिमाइज करेंगे, और कैसे मिनिमाइज करेंगे वो मैं आपको मैसेजेस के थ्रू बीच बीच में बताऊंगा। तो हमारी क्लास अभी स्टैटिस्टिक्स की चलती रहेगी ऐसे ही, तो स्टे एक्टिव, जब भी मैं ग्रुप में कुछ डालूं आपको पता होना चाहिए, ओके, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और पढ़ना है, तो अब इस तरह से ही चलेगा, ठीक है? इज दैट फाइन विद ऑल ऑफ यू? ओके, गुड मनीषा। तो आपको मैंने अभी होमवर्क दिया है, वो भी आप ग्रुप में डालेंगे, बताएंगे क्या है टाइप वन टाइप टू ये बताओगे, और कौन से टाइप के एरर्स हैं ये बताओगे। इससे हमारा एक टॉपिक तो यही खत्म हो गया। आप सब एक चीज और करेंगे, आज आप ग्रुप में 10 एमसीक्यू गूगल से डालेंगे, डिपेंडिंग किसके ऊपर, सैंपलिंग एरर्स के ऊपर, और सब सॉल्व करोगे, उससे आपकी सैंपलिंग खत्म हो जाएगी। दैट मींस इससे जो एक या दो एमसीक्यू आना है वो आपका यही खत्म हो गया। सो दैट मींस व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर अलोंग विद, नो प्रॉब्लम ना, आप जिस भी ग्रुप में करें, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सैंपलिंग एरर आज यहीं पर, ठीक है? जब हम ये आज का दिन खत्म होता है, हम 10 एमसीक्यू उससे ज्यादा इसमें होंगे नहीं, बट आप गूगल करेंगे, क्या गूगल करेंगे कि हमारे यू नो एमसीक्यूज ऑन सैंपलिंग एरर्स आ जाएंगे, आप उन सबको सॉल्व करो, ग्रुप में भी डालोगे, सो दैट सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें, ओके? सो आज के लिए काफी है, थैंक यू सलीम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू गुड लक, हैव अ वंडरफुल डे, और मेहनत कीजिए, एमसीक्यूज वाला और टाइप वन एरर वाला आप सोने से पहले ये जरूर करेंगे, सोने से पहले क्या, ये खत्म करके ही आप उठेंगे, ठीक है? ओके, बाय, गुड लक, टेक केयर।